सिर्फ नाम लेकर करें किसी का भी वशीकरण। नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाम लेकर या नाम लिखकर वशीकरण। जी हाँ मित्रों, ऐसे वीडियो आपने बहुत से देखे होंगे और किए भी होंगे। मित्रों, आज का उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वह उससे दूर गया चला है। और दिन में मैंने अभी दो तीन दिन पहले भी दो चार वीडियो ऐसे डाले हैं बिछड़े हुए प्यार को, रूठे हुए प्यार को मनाने का, लेकिन उसी अंदर थोड़ी सी विधियाँ थोड़ी सी कठिन भी है तो कुछ लोग कर नहीं पा रहे। कठिन हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों ने किया, उन्हें परिणाम भी मिला है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गुरु जी, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल सरल पूर्वक बताइए, हम इतने दिन कार्य नहीं कर सकते, तो बहुत ही सरल उत्तम उपाय लेकर आया हूँ। लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपके दिल में शिद्दत, सच्चाई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए सच्चा, ना कि झूठा फ्रेब हो। अगर फ्रेब होगा तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। विधि बताने से पहले मैं कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। आपको जो सामग्री चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए शहद, लाल मूली या लाल कलावा, भोजपत्र और हरी इलायची साथ, और साथ लौंग। मित्रों, एक आपको मूसक कपूर की टिक्की भी चाहिए। करना क्या, आप शुक्रवार रात्रि को इस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी रात्रि को कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार रात्रि को करते हैं तो अति उत्तम। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा में आपको बैठना है, उत्तर पूर्व के जो बीच की दिशा है उस दिशा में आपको मुख करके बैठना। आसन आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन काला और नीला आसन कदा भी ना हो। आप लाल ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, लेकिन काला और नीला आसन इस कार्य में नहीं लेना। वह अन्य विधियाँ होती हैं जिनमें काला वे अलग बताया जाता, हरे रंग का बताया जाता, तो वह अलग विधि। दिल में सच्चाई होनी चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो अच्छा पूर्वक, और वो दिल में बहुत ज़्यादा बार बार याद आती है तो यही यही याद, यही जो इच्छा आपके अंदर, यही जो प्रेम प्रकटने की इच्छा है, यही आपको उससे मिलवाएगी, दावे के साथ कहता हूँ। करना क्या कि आपको सात लौंग और सात इलायची को एक पात्र में डाल लें और उसके अंदर मूसक कपूर डालकर इन्हें जला दें। जैसे ही इन्हें जला देते हैं तो इनकी राख तैयार हो जाती है। उस राख के अंदर आपको इस शहद को थोड़ी सी मात्रा में मिला देना है ताकि एक लेप तैयार हो जाए। उस लेप के अंदर आप हो सके तो अनार की दो चार बूंदे मिला लें, समझते हैं आपको अनार का रस मिल जाएगा, तो आप इसी दो चार बूंदे डाल, एक तरीके का लेप तैयार कर लें, घोल तैयार नहीं करना है। उसके बाद आपको एक भोजपत्र की आवश्यकता है। अब भोजपत्र जिन लोगों को नहीं उपलब्ध हो सकता, कोशिश करें भोजपत्र मिल जाए। अगर नहीं होता तो आप लाल कलर का पेपर ले सकते हैं, ठीक है, छोटा सा ही लेना है आपको। अब आपको अनार, आम या मोरपंख, इन तीनों में से किसी की भी आप कलम तैयार कर सकते हैं। उसका नाम आपको इस भोजपत्र पर या लाल पेपर पर लिखना है। लिख देने के बाद आपको इस तरीके से इसे ना, अब इसे लाल कलावे या लाल मूली से बांध लें। बांध देने के बाद आपको अपनी दाईं हाथ की हथेली में रखना है। रख देने के बाद दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, मात्र उसका 21 बार नाम लेना है। नाम किस तरीके से लेना है, मान लीजिए आप राजा या रानी से प्रेम करते हैं तो आपको ऐसे बोलना है, राजा या रानी वश्य गुरु, राजा या रानी वश्य गुरु। यानी कि राजा को करना चाहते तो राजा वश्य गुरु, रानी को करना चाहते तो रानी वश्य गुरु। इस तरीके से आप उसका नाम लें, 21 बार आपको नाम लेना है। और इसे 7 दिन तक अपने से अलग नहीं होने देना, इस बात का खास ख्याल रखें। 7 दिन तक इसे कोई आपके अलावा हाथ नहीं लगाए और आपके अलावा इसे कोई छुए नहीं। आपके पास 7 दिन लगातार इसे रहना है और दिन में 7 दिन लगातार आपको 21 बार उसका नाम इस तरीके से तो लेना ही लेना है। लेकिन दिन में जब भी आपको उसकी दिल से याद आए, आप उसे मिस कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आई, तो आपको इसी तरीके से करना और 21 बार उसका नाम लेना। आपके दिल को शांति मिलेगी और आपके प्यार को और ज़्यादा प्रभावित व प्रचंड बनाएगी। मित्रों, दावे के साथ करता हूँ, एक बार करके देखिए, लेकिन 7 दिन निरंतर करें, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी याद आए इस तरीके से इस पर्ची को अपने हाथ में रखकर उसका नाम लें, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सभी नंबर दिया गया। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।